ओडिशा प्लस खबर ही खबर। तरंग संवाद साहित्य घर चतुर्थ वार्षिक उत्सव संवाद साहित्य घर अस्तरंग शाखार चतुर्थ वार्षिक उत्सव अस्तरंग स्थित सबुज शाखा प्रांगण में आज पालित हो जाएगी। प्रारंभ में सभापति मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता और सम्मानित अतिथि द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ फटोचित्र निकट में प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम आरंभ होता। सभापति गोलक चंद्र महांति नेतृत्व में अनुष्ठित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव विशिष्ट लेखक तथा साहित्यिक असित महांति मुख्य वक्ता भाव संवाद साहित्य घर राज्य संयोजिका डॉक्टर शुभश्री लेंका जोगदे। सम्मानित अतिथि अमीय कुमार पट्टनायक अस्तरंग पंचायत समिति सभ्य दिवाकर छाटोई समेत प्रमुख व्यक्ति मैंने जोगदे। सम्मानित अतिथि मानक द्वारा साहित्य संपर्कित अभिभाषण मुख्य वक्तांकर आदर्श वार्ता और सभापति अमृतवाक दर्शक को मंत्रमुग्ध करिबारे दीर्घ समय पर्यंत समस्ते साहित्य चर्चा को श्रवण करिथिले। संवाद साहित्य घर एक एमिती एक घर खाली साहित्य को नुहे बरंग आम संस्कृति परिवेश को किपरि रक्षा हेबो से दिगरे समेत सचेतन हेबा उपरे आलोकपात करा जायथिला। अस्तरंग एक वीरप्रसयिनी माटी ओडिशा इतिहास रे तार ना रहिछि। प्राकृतिक सौंदर्य जेउठी साहित्यर उदय नहीं कि अस्त नहीं। अस्तरंग समेत अस्तरंग ब्लॉक रो विभिन्न अंचल गाँ गंडार नामकरण केमिति हेला से संपर्क में व्याख्या करिबा समेत अस्तरंग पूर्व इतिहास को मन पकाइबा समेत अस्तरंग माटीर इतिहास और गर्वगौरव को फेरई आणवाक साहित्य घर सदस्य और उपस्थित दर्शक को मुख्य अतिथि कहते। चलित बर्ष दशम श्रेणी रे ब्लॉक रे सर्वाधिक नंबर रखिथिबा छात्री मानंकु पुरस्कृत करा जायथिबा सह युव परिवेशविद सम्यरंजन विशालंकु मध्य संबर्धित करा जायथिला। पुरी रु प्रसन्नजनक अनुष्ठान भाबरे एहाकु बढ़ी तोळिबाकु लक्ष्य रखिथिलु जेमिति आम भाषा सेतबेले शास्त्रीय मान्यता पाइनथिला एवं आमर आगरे मध्य बहुत प्रतिबंधक थिला। आमे चिंता करथिलु जदि सारा ओडिसा रो प्रतिटि ब्लॉक रे एपरि गोटे गोटे अनुष्ठान हुए तेबे आमे भाषा साहित्य पाई अधिक किछि करि परिबु। श्रीयुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक दिग्दर्शन रे आरंभ होइथिबा ई अनुष्ठान आज केवल ओडिसा नुहे पड़ोसी झारखंड एवं पश्चिमबंग रे मध्य तार शाखा खोली परिछि। एवं आजिकार दिन रे 358 कोटी संवाद साहित्य घर रे पाखापाखि 50,000 अधिक देहभुक्त सदस्य अछन्ति एवं सेमाने केवल भाषा साहित्यर साधना करूनाहांति सेमाने मध्य विभिन्न समय पुस्तक प्रकाशन करूछन्ति रक्तदान कार्यक्रम रे सामिल होउछन्ति एवं विगत 3 वर्ष हेलाणी सेमाने वृक्षरोपण कार्यक्रम रे अंशग्रहण करि लक्षेरु अधिक गच्छ लगाई सकते। आमर साहित्य घर उद्देश्य हूँ आम भाषा साहित्य को भल पाइबा सहित ओडिशा माटी को भल पाइबा सहित आम परिवेश सुरक्षा एवं परिवेश उन्नति दिगरे मध्य किछि काम करिबा एवं भविष्यतर उत्तर पीढ़ी जो मैंने अच्छा से मैंने आम ऐतिह संस्कृति परंपरा को भल पाइबा सहित आम भाषा में सठिक भाव में कहीपरिबे लेखिपारे एवं पढ़ी पारे। धन्यवाद। अस्तरंग साहित्य घर 4 वर्ष करी आज 55 वर्ष पदार्पण कला। ये अंचल बहुत इतिहास रही अंचल प्राकृतिक दृष्टिकोण पर्यटन दृष्टिकोण बहुत समृद्ध विशेषकर प्राची अवबाहिका अंचल जो अवस्थित ये अंचल बारंग ठार आरंभ कर बारंग चाषीरंगगढ़ ताठू आरंभ कर अस्तरंग आखपाख अंचल नौवाणिज्य दृष्टि बहुत समृद्ध थी। प्राची अंचल अनेक ऐतिह्य अच्छी जहानिया बीच ओडिशार गोटे श्रेष्ठ बीच बेलाभूमि दृष्टि पूरी बेलाभूमि जीक पर्यटन दृष्टि मर्यादा पाई जगन्नाथ मंदिर थ्रह्मपुर बेलाभूमि गोपालपुर बेलाभूमि जीक मर्यादा पाई पर्यटन दृष्टि चांदीपुर बेलाभूमि जीक मर्यादा पाई पर्यटन दृष्टि जहानिया बीच से मर्यादा पाईना कि बीच सब सुंदर मो कथ ये बाबद जदि यही अंचल पृष्ठभूमि जदि अधिक साहित्य रचना हे ये अंचल ऐतिह्य इतिहास स्वाधीनता संग्राम ये अंचल अवदान को नहीं जदि अधिक लेखालेखी हे साहित्य सदस्य मैंने से दिखे प्रवृत्त हे ताहले अंचल की अचीर ओडिशा मानचित्र तर उपयुक्त स्थान पाव भारत मानचित्र स्थान पाव आज डिजिटल दुनिया से दृष्टि विश्व मानचित्र स्थान पाव से दिगरे साहित्य घर सदस्य मैंने आगामी दिन में उद्यम करेंगे आशा कर।